यहाँ से चेक करो, जो व्यू मिल रहा है ना देखने को जबरदस्त। अब वैसे भी ना इसका पहले चलान कट चुका है, ठीक है, वो चेक करो ना, वहाँ तो पूरा कोरा कोरा हो गया। रश ड्राइविंग भी डाल दिया, हेलमेट का भी डाल दिया, इंश्योरेंस का भी डाल दिया, और ये साइलेंसर का भी, सबका चलान ना एक साथ बना के भेज दिया। अब मौसम ने जो आज साथ दे रखा है ना, बहुत ही बेहतरीन वाला मौसम। अबे यार भाई, फिर आज इसकी ब्रेस की तार टूट गई। पर सबसे ज्यादा चोरी भाई मंदिरों में ही होती है, क्योंकि मंदिरों में अलग अलग टाइप के जूते मिल जाते हैं हर किसी को। जॉन से पसंद है फिर उठा के चल दो। वो पूरा पूरा चलान बना भाई 22,000 रुपए का। व्लॉग का टाइम हो चुका है भाई 8:24, और फ्लैश लाइट का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज भाई मतलब आज क्या कल रात से लाइट नहीं है, 8 बजे चली गई थी, अभी 8:30 होने वाले, तो अप्रॉक्स 12 घंटे से भाई लाइट बिल्कुल नहीं है घर पर। घर पर क्या पूरा बापू ग्राम में ही नहीं हो गया, हमारे घर में स्पेशल थोड़ी आ रही है कोई लाइट। बाकी भाई अच्छा हुआ कि सर्दियों का मौसम है तो आत्मा और शरीर दोनों सुरक्षित रह जाएगी अंदर। अगर गर्मियों का मौसम होता ना तो अब तक आत्मा परमात्मा से मिल चुकी होती। और पीछे से क्या देख रहे हो आप? बहुत देख रहे हो तुम आत्मा परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का मेल हो चुका था तब तक गर्मी में, ठीक है, ऐसा हाल हो जाता सच में। और बाहर का वेदर मतलब मौसम चेक करो भाई, ये देखो पापा को मत देखो, मौसम को देखो, पूरा बादल लगा हुआ है। और बाकी आज चलेंगे, आज पक्का जाएंगे भूतनाथ मंदिर। भूतनाथ जी नहा धो के बैठ चुके हैं, आज भूतनाथ जी नहा धो के बैठ चुके हैं तेरे लिए स्पेशल, देखना कितना प्यार करेंगे तुझे। मेरे को क्या प्यार करेंगे। ओए होए 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 भाई, आज पूरा बादल लगा, आज कोहरा नहीं आ रखा, जैसे और दिन कोहरा था ना, आज नहीं आ रखा कोहरा। और घूमने का मजा तो यार ऐसे ही मौसम में आता है, आज चलेंगे ऐसे मौसम में मस्त घूमेंगे फिरेंगे। पापा की और वहाँ कुछ अंकलों की मीटिंग चल रही है भाई, पता नहीं क्या मीटिंग चल रही होगी। जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, ले खाओ 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 खाओ, ये ले चलो अब जाओ। इतनी सर्दी में कहाँ घूम रही हो तू, बाहर है कहाँ घूम रही हो तू, चलो बाय बाय, शाम को आना। तो नहाना वाना सब अपना डन हो चुका है और सारे काम भी निपट गए। और अब भी ना थोड़ी देर पहले खबर आई कि भैया ट्रांसफार्मर उड़ रखा है, ट्रांसफार्मर होने में लगेगा टाइम, तो अभी लगभग लगभग 1 बज चुका है, तो शाम तक ही होगा आई थिंक, होगा अभी तो ठीक। बस वैसे ना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह यार, मैं बोल ही रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले आई कि उन्होंने बोला शाम तक होगा, और इतने में लाइट भी आ गई, क्या बात है क्या बात है। वैसे ना कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, दिक्कत जो थी मेन थी इनकी कि अगर लाइट ना आती ना, लाइट जला देता हूँ तब दिखेगी इसमें काफ़ी सारी मछलियाँ ना, अगर लाइट ना आती ना तो इनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता तो कल रात से भाई बिना ऑक्सीजन के, तो पता नहीं कितने देर तक और जिंदा रहती। बस किस्मत है भाई इनकी, ज़बरदस्त किस्मत है कि टाइम पे एकदम लाइट आ गई है, तो अभी निकलने के लिए रेडी है। और भाई यहाँ पे अपनी बाइक भी रेडी है, पूरी साफ़ सफाई करके रख दी, और बुलेट भी आज घर पर है भाई, लेके नहीं गया, पर मैं इसको ना लोकल में कहीं नहीं घुमाता, वो भी इतना नहीं घुमाता, जो भी हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ना लोकल के लिए, वो या तो बाइक यूज़ करते हैं या तो स्कूटी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो दिक्कत है ना वो है इसके साइलेंसर में, क्योंकि इसका ना जो साइलेंसर है स्टॉक साइलेंसर नहीं है, ये आफ्टर मार्केट लगा रखा, और थोड़ा है इसमें आवाज़ ना, काफ़ी आवाज़ भी करता है। अब पुलिस वालों ने भाई जहाँ पकड़ लिया ना वहाँ इसका मस्त चलान हो जाना, लोकल में भाई भरोसा नहीं होता कब कहाँ किसको पकड़ ले पुलिस वाले। और वैसे भी ना इसका पहले चलान कट चुका है, ठीक है, पता नहीं कौन कौन से उसमें केस डाल रखे थे, रश ड्राइविंग था उस टाइम पे ना, इसका इंश्योरेंस भी ख़त्म हो रखा था, 2020 की बात है, जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ ना उसके बाद कभी कटा होगा, रश ड्राइविंग भी डाल दिया, हेलमेट का भी डाल दिया, इंश्योरेंस का भी डाल दिया, और ये साइलेंसर का भी, सबका चलान ना एक साथ बना के भेज दिया। तो वो चलान आया था 2022 में हम पे, ठीक है, वो पता कितने का आया था, वो पूरा पूरा चलान बना भाई 22,000 रुपये का, 22,000 रुपये का, जब वो घर पे हमने बोला भाई क्या ये 22,000 रुपये का चलान, तो उसको जब सेटलमेंट कराया ना वहाँ पे जाके, क्या बोलते कोर्ट में जाके, तो मुश्किल से मुश्किल 13-14,000 रुपये में देने पड़े, और इसका पूरा भाई चलान भरना पड़ा। इससे बढ़िया तो ये है, इसमें सब कुछ बढ़िया है, इसमें साइलेंसर वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, पर यार जब तक बुलेट में साइलेंसर ना लगाओ किस बात की बुलेट ना, तो मज़ा तो साइलेंसर लगा के ही आता है वैसे। तो पहले कुन्नू को भी उठा लेते हैं, कुन्नू अजी नमस्ते, क्या हाल चाल है तेरे, ठंड नहीं लग रही तेरे को है, चल बैठ बैठ बैठ, चलो। और कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, ये भी तो कहाँ ठोक पीट के ला रखा बैंक का स्कूटी, स्कूटी खराब हो गई कि ठोक पीट के ला रखा, अरे बैंक फोड़ रखी भाई पूरी की पूरी स्कूटी।
यार, जहाँ पे रोड चौड़ी है ना वहीं पे ज्यादा ट्रैफिक है, आगे जाके पतली हो रही है रोड, वहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं है। है यार यहाँ पे ट्रैफिक, मैंने बोला अभी आगे बढ़ो थोड़ा। अरे 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 भैया, यहाँ पे रहते ही है भैया, आज तो है यार ट्रैफिक। कोई नहीं, हमको तो कुछ भी नहीं है, अभी शाम को देखना और मधुबन तक जाना है। मधुबन से तो हमने लेफ्ट कट जाओ, राइट कट जाना है। चला पैदल चलने के लिए लेफ्ट वाला भैया तुम्हारा मिल जाएगा जाने के लिए। अरे वाह, अरे काहे इतना ट्रैफिक लगाए हो भैया। अरे यार, अबे क्या हो गया इसको, अबे तो फिर इसकी, अबे यार भाई फिर आज इसकी ब्रेक की तार टूट गई। प्रॉब्लम है, क्या सीन है यार, धक्का मारो। धक्का नहीं बबे, आप परसों इसकी रेस की तार ठीक कराई और आज फिर दिक्कत आ गई। कब ये पूरा ये भी चेंज करा दिया मैंने और ये रेस की तार भी डलाई। अच्छा, आज फिर वही सीन हो गया। अब चल 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 भाई, चल चल भाई, इस चढ़ाई पे मेरे को नहीं लग रहा चढ़ेगी। चढ़ भाई, चढ़ 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 जा। बस रेस की तार अगर कोने से टूट गई ना तो भाई वहाँ पे हो जाएगा सीन खराब पूरा। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। ओ भाई बस डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। अब यार ये क्या खराब हुआ देख यार, ये तो घूम रहा है। पर मैं भी पूरा एक साल बाद आ रहा हूँ आज यहाँ पे, एक साल से मैं भी नहीं आया हूँ यहाँ पे ना। क्या बात है भाई, क्या बात है। पर सबसे ज्यादा चोरी भाई मंदिरों में ही होती है, क्योंकि मंदिरों में अलग अलग टाइप के जूते मिल जाते हैं हर किसी को, जवान से पसंद है फ्री में उठा के चल दो। बिल्कुल नया जूता, बिल्कुल मैं दोस्तों का को मन खाना खाया हमने वहाँ पे गुस्से को भंडारे में, खाना खा के जूता निकाला तो का जूता था मेरा जूता गायब, जम्बू तक पता नंग नंगे पे जम्बू तक जम्बू जूता लिया फिर मैंने चप्पल पानी। आप कहीं यहीं पे रहते हो? अच्छा चलो, धन्यवाद आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। चलो बाकी ऊपर चलते हैं। आई थिंक इसके स्क्रीन बंद हो गया। यहाँ से है ऊपर जाने का रास्ता, यहाँ से चलते हैं। स्वर्ग दिख रहा है भाई सामने पूरा का पूरा, देखो चेक चेक दिस आउट गाइस, चेक दिस आउट। अभी ऊपर जाके जो मंदिर मिलेगा ना देखने को वो है भाई बेहतरीन एकदम। यहाँ से तो पूरे पहाड़ी देखने को मिल रहे हैं, यहाँ से है सबसे जबरदस्त व्यू। जा सकते हैं अभी चलेंगे ना, यहाँ से हाफ ऑफ सिटी पूरी मतलब अच्छे से दिखती है भाई। ये जानकी सेतु पुल, राम झूला का पुल, ये चेक करो भाई हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पे खत्म, बस इतना ही। अब इससे ऊपर कितना जाएगा भाई, इतना ऊपर तो आ गया। ऊंचाई देख रहा है कितनी ऊंचाई पर है तू, देख वो देख वो है जमीन। अब क्या चाहता है तू, आसमान की वादियों पे पहुंच जाए बीचों बीच। शाबाश शाबाश, यहाँ से चेक करो जो व्यू मिल रहा है ना देखने को जबरदस्त। इस मंदिर से ना यही खास बात है कि यहाँ पे व्यू बहुत जबरदस्त है। तो मौसम देख ही सकते हो भाई, क्लाउड वाला सीन देख रहे हो, वहाँ से थोड़ी थोड़ी धूप मिल रही है। हो गया भाई तुम्हारा फोटो सेशन और ये भाई अभी हमको मिले हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बड़ा फैन हूँ भाई। भाई अभी मिले और अभी फैन बन गए भाई, देख रहे हो मेरी पॉपुलैरिटी, मेरी रीच देख रहे हो, रीच मतलब बंदे हमसे बाद में मिल रहे हैं, फैन पहले बन जा रहे हैं। बाकी ये फोटो शूट कर रहे हैं भाई, करो करो करो, अरे अरे करना भाई, क्या हो गया। मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ खर, अरे नहीं, अरे वाह भाई फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। बाकी फिलहाल अभी थोड़ी देर में चलेंगे, काफ़ी टाइम हो गया हमको यहाँ पे, हम 2-2.5 घंटे से। अरे भाई पहले ही मिल गए थे तो हंसी मजाक ऐसे चल रहा था बढ़िया से, 3:37 हो गया पूरा पूरा। क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे वाह, शॉल के साथ एकदम।
मैं ना अभी फोटोज खिंचवा रहा था भाई सैमसंग S21 FE1 भाई के पास, और भाई ऐसी जबरदस्त फोटो आ रही है ना, मैं इंस्टा पे पोस्ट कर दूंगा, एक बार जाके चेक करना। पूरा ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे DSLR से खिंचवा रहे हो, सच में इतना गजब फोकस कर रहा है, इतना गजब ब्लर कर रहा है ना पीछे का, बहुत बेहतरीन वाला। तो मैं इंस्टा आईडी तो मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर लेना। बाकी तो भाई बहुत टाइम हो गया यहाँ पे खड़े खड़े, और यार मजे जो आ रहे हैं ना यहाँ पे, सच में मतलब जाने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से। मौसम ने जो आज साथ दे रखा है ना, बहुत ही बेहतरीन वाला मौसम, बहुत ही बेहतरीन। वो चेक करो ना, वहाँ तो पूरा कोरा कोरा हो गया, तो कुछ भी दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा भाई कैमरे में, तो खैर नहीं दिखेगा। मैं जब सामने देख रहा, वैसे भी मेरी आँख कमज़ोर है, दिखता नहीं है, बट मैं चश्मा पहन के भी देख रहा हूँ ना, वहाँ क्लियर तो दिख रहा है, बट फॉग की वजह से ना कुछ इतना ज़्यादा क्लियर दिख नहीं पा रहा है। और बाकी वो देखो फोटो सेशन जा ही रहा है भाई, वो एक ही पोज में ना बहुत बेहतरीन वाली फ़ोटो निकालने की सोच रहा है। मेरी जो आनी थी, मेरे को जो चाहिए था वो आ गया, वो मैंने ले लिया भाई, वो मैं ले लूँगा फ़ोन में उन भाई से। बाकी तो यार मजे ही कुछ और है यार यहाँ के, सही में भाई। मैं लास्ट टाइम आया था ना, मतलब जो मैंने दूसरा व्लॉग डाला था ना, वो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आकर शूट किया था, तो उस टाइम पे ना मैं मतलब बोल भी नहीं पाता था, जिस टाइम पे मैंने वो स्टार्ट किया था चैनल पे ना, तो मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता था भाई मैं बोलूँ क्या ना, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कि भाई मैं पब्लिक में कुछ भी जाके बोलूँ, कुछ भी जाके व्लॉग करूँ, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं था भाई। बट उसके बाद मतलब बहुत टाइम बाद ना मैं बोलता गया, करता गया, व्लॉगिंग करता गया, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती गई, और जो सामने वालों के साथ इंटरेक्शन करना, जैसे आप लोगों के सामने इंटरेक्ट कर लेता हूँ मैं अपना, तो बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेता हूँ। मतलब मेरे को लगता है कि भाई हाँ, मैंने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है पहले से, और अभी तक ना मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट करी अपने व्लॉग्स में। पहले के व्लॉग्स देखना, कम्युनिकेशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, क्वालिटी भी नहीं थी, और मैं मतलब इतने अच्छे से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाता था आपके साथ ना, कि मतलब करूँ तो करूँ क्या। पर उसके बाद मैंने इतना थोड़ा इम्प्रूव किया अपने आप को, बोलता गया, व्लॉग करता गया करता गया, फिर जाके मैं थोड़ा, मेरे को अब लगता है कि भाई हाँ, मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर ली है पहले से लेके अभी तक। अभी भी मेरे को थोड़ा हिचक सी हो जाती है बहन, जैसे कोई ज़्यादा पब्लिक में आ जाता ना, और सबसे ज़्यादा जो मैंने पब्लिक में शूट किया था ना, वो था त्रिवेणी घाट वाला, वहाँ इतनी ज़्यादा पब्लिक थी ना उनके बीच में, मतलब मैं सोचता रहा पहले कि बोलूँ क्या, फिर मैंने सोचा भाई देखी जाएगी जो होगा, लोग चलते गए, मैं बोलता रहा। तो उस टाइम पे भी थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाती है कि भाई क्या, एकदम से कि यार इतनी सारी पब्लिक है, कैसे बोलूँ क्या बोलूँ, थोड़ा सा हो जाता है। बट कोई नहीं भाई, जैसे जैसे आप कोई भी अगर व्लॉग बना रहा हो ना, व्लॉग बनाते भाई सब कुछ अपने आप हो जाता है, ठीक है, आप अपने आप लर्न करते हो, आप अपने आप सीखते हो, समझते हो, सब कुछ हो जाता है यार। और ये भाई इतना हल्ला कर रहे हैं ना ऊपर से, वहाँ चढ़ के मंदिर का पूरा टूर करके आ गए ऊपर, और अभी फिलहाल यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जैसे मना कर रहे थे जाने के लिए, बट भाई हमें खुरापाती लौंडे, हम तो जाएंगे। कहाँ पहुँच गए हैं, कुछ वहाँ पे है क्या पूछा था कि किससे, वो यहाँ के मंदिर के ऊंचे वाटरफॉल का है, तो वो जाना अलाउड नहीं है, मना कर रहे हो। अरे क्या पता उनको, हम गए, छोड़ो ना, आ जाओ। हाँ तो मैं बोलता रहा हूँ चलना, बोलेंगे हमने पूछा ही नहीं किसी से, बस बात करता हूँ, हमने हमको ना किसी ने मना करा, ना हमने किसी से पूछा, बात करता हूँ। अरे आ जाओ यार, आ जाओ, अरे आ जाओ तुम यार, तुमसे पहले तो हमें पड़ेगी मार, तुम्हें तो बाद में पड़ेगी, तुम तो इंदौर के, हम तो लोकल ही है, यहीं से छोटा वाटरफॉल, आ जाओ। यहाँ से चले बोल ऊपर, चलो चल रहे हैं, चल रहे आ, मैं तो भाई चलने को तैयार हूँ, तुम आने को तैयार हो तो आ जाओ, मैं तो जाने को तैयार हूँ भाई। भाई हमको पता नहीं हम जा कहाँ रहे हैं, बट जा रहे हैं, रास्ता चेक करो भाई, कैसे कैसे पत्थरों से पैर रख के जाना पड़ रहा है, देख लो। जाएंगे तू आ बस, ओ भाई गया था अभी से, एंड में पहुंच गया, और एंड में देखो ये देखने के लिए आए हम, देख रहे हो भाई बेहतरीन लग रहा है यार, बहुत छोटा वाटरफॉल है, वैसे बहुत बड़े बड़े वाटरफॉल भी आगे जाके, वो भाई तो वही है। अब ये SPD सुपर, क्या बोलते हैं, पावर रेंजर, SPD सुपर रेंजर जो भी होता है, तो भाई ये मेरे साथ आया यहाँ तक, वहाँ से स्टार्टिंग से एकदम अंदर तक, और इस वाटरफॉल को देखने के लिए भाई अभी घूम फिर के सब जगह से ऊपर नीचे आगे पीछे जितना भी एरिया था ना, सब जगह छान मारा,
और अभी वहां से निकल के आ रहे हैं जहां पे वो छोटा सा वाटरफॉल था। यहां से तो पूरी ढलान पे चल जाएगी भाई बाइक, मजेदार एकदम। देख रहे हो इनको गाइस, देखो इनको गाइस, मेरे को रोज देख रहे हैं यार भाई, ढलान देखना। और हम तीन तीन जने बैठ रहे थे। बीच वाला हैंडसम है, पीछे वाला अभी मिला है, और ये इनका तो इनको कुछ बोलो मत गाइस कुछ। अगर हमारा होगा ना फिर घूमने का प्लान, आधे रास्ते तक पहुंचे और इसको ऐसे झेलते झेलते लाए ना भाई, इसका पूरा ना ये फिर से खराब हो चुका है, परसों तो हुआ ही था। बाकी भाई आज पूरे व्लॉग में ना इतना ज़बरदस्त मजा आया ना, मौसम ने इतना ज़्यादा साथ दिया ना भाई, खतरनाक वाला एकदम। ऐसे मौसम सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है, तेरे को भी ऐसे मौसम बढ़िया लगता है भाई? रोबोट की तरफ पता नहीं क्या मुंडिया हिला रहा है, पर जो मज़ा आया ना आज सच में, और वो भाई को भी पूरा पूरा मज़ा आया। बाकी इस व्लॉग को ना हम यहीं पे एंड करते हैं, घर जाके ना मैं डायरेक्ट व्लॉग एडिट करने बैठ जाऊंगा, इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। बाकी होप करूंगा कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और नए नए व्लॉग देखने के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, ठीक है? बाकी नेक्स्ट व्लॉग आता है, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, बाय।